दूसरी कविता है फसल फसल। अब इसमें के बारे में हम लोग देखें कि फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों में सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या? अगर उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है इसे बताया गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रभु अवर मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति अवर लय कविता का प्रभावशाली बनाती है। कवि का कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट हो जाती है, ऐसा नहीं। कवि ने ऐसा नहीं बताया है। आइए हम फसल कविता को देखें। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। फसल क्या? किसी एक व्यक्ति का यह नहीं है, किसी दो व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ढेर सारे नदियां जो है उसके पानी का जादू है यह। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यह फसल एक के नहीं है, बल्कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ों हाथों से यह तैयार की गई चीज है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेत की मिट्टी का गुण धर्म इस फसल में ऐसा नहीं है। हजार हजार मिट्टी का जो है वह गुण धर्म बताया गया है, ऐसा नहीं कि एक मिट्टी का ही गुण धर्म है इसमें, दो मिट्टी का ही गुण धर्म है, ऐसा नहीं है, अपितु हजार हजार खेतों की जो है मिट्टी का गुण धर्म जो है यह। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि फसल क्या है? अवर तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। फसल है क्या? वह दूसरा कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि पानी का जो है उसमें भूमिका रहती है। बिना पानी का कोई फसल जो है वह उग नहीं सकता, इसलिए पानी की जो है वह प्रधानता दी गई। और फसल क्या है? हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल केवल पानी की ही गरिमा नहीं है, अपितु इस फसल को उगाने में बहुत सारे हाथ जो है वह लगे हुए हैं, तभी जाकर जो है यह फसल हुआ तैयार की गई। और क्या फसल के बारे में बताया गया है? भूरी काली संदला मिट्टी का गुण धर्म है। किसी एक मिट्टी का गुण धर्म नहीं है यह, बल्कि इसमें भूरी है मिट्टी, काली मिट्टी है, संदला मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, बहुत सारे मिट्टियों का गुण धर्म जो है इस फसल के उगने में या उगाने में जो है
वह है, रूपांतर है सूरज की किरण का। आखिर यह फसल में और किसका योगदान कवि ने बताया गया है? बताया है सूर्य का, क्योंकि सूर्य की किरणों का इसमें जो है वह भरपूर हाथ है। अर्थात इस फसल को उगाने के लिए सूरज का जो है जल मिट्टी अनेक हाथों के साथ साथ सूरज का जो है वह योगदान किया गया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की ठिकार है का। इसके अलावा इस फसल को उगने में या उगाने में किन किन बाह्य तत्वों का जो है वह हाथ है, जैसे हवा हुआ, जल हुआ, मिट्टी हुआ और लाखों करोड़ों हाथ हुए, इन सब का जो है योगदान है, तभी जाकर ये फसल जो है वह हमें प्राप्त होते हैं और उस अन्न को जो है हम खाते हैं। यहाँ पर नागार्जुन ने इस पद के माध्यम से व्यापक लोकप्रियता का वर्णन किया है, साथ ही छंदों का इसमें जो है वह भरपूर प्रयोग है। इसके अलावा इनके काव्य में और क्या हमें प्राप्त हो रहा है, व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का जो है वह प्रयोग हुआ है।